हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यानी कि एनटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। एनटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह से इस नेटवर्क में वर्क करता है और इसके हमें नेटवर्क में जरूरत क्यों पड़ती है, यानी इसका हम यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, एनटीपी जैसा कि नाम से चलता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें नेटवर्क के अंदर टाइम को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क में अंदर जो भी डिवाइसेस मौजूद है उनमें टाइम को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। उसी के हिसाब से वहां पर टाइम एंड डेट अपडेट होते रहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमारे नेटवर्क में वर्क करता है एनटीपी यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसका वर्क होता है नेटवर्क के अंदर क्लॉक सिंक्रोनाइज करना। मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, इसमें राउटर लगा है, इसमें स्विचेस लगे हैं और इसमें डिवाइसेस लगे हैं। मैं यहाँ पे इस पर एक सर्वर बना दिया है और ये आईएसपी से कनेक्टेड है, ये हमारा एसपी है, ठीक है। तो यहाँ पर एनटीपी प्रोटोकॉल अगर रन हो रहा है तो उसका वर्क है नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस मौजूद है उनका जो टाइम एंड डेट है वो सेम होना चाहिए। जो भी एनटीपी सर्वर यूटीसी के अकॉर्डिंग टाइम को अपडेट करता है उसके हिसाब से वो एनटीपी सर्वर क्या करेगा, पूरे नेटवर्क के अंदर उस डेट एंड टाइम को मैनेज करके रखेगा। किसी भी डिवाइस पे डिफरेंट डेट और टाइम नहीं मिलेगा, सभी डिवाइसेस सेम डेट और सेम टाइम मिलेगा। मान लो हमारा यहाँ पे एनटीपी सर्वर है, 12 PM है, तो सारे डिवाइस के अंदर 12 PM का ही टाइम मिलेगा। ये नहीं है किसी पे 12.12.05 PM, 12.10 PM, इस तरह कोई भी टाइम में डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि एनटीपी आप कह सकते हैं एक क्लॉक सिंक्रोनाइज पर्पस के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस में सेम टाइम या टाइम और डेट को अपडेट करने के लिए एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये हमारा राउटर है, स्विच लगा है, यहाँ पर हमने इसको सर्वर बना दिया, बाकी सब क्लाइंट है। तो एक सर्वर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरे इसमें नेटवर्क में टाइम को मैनेज किया जाएगा। उसके हिसाब से सभी डिवाइस के अंदर ये सेम टाइम मेंटेन करके रखता है, उसको मैनेज करके रखता है। किसी भी डिवाइस का टाइम डिफरेंट नहीं होना चाहिए एक सेम नेटवर्क के अंदर। तो इसमें और सेटिंग कर सकते हैं हम। मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, उसमें हमने फायरवॉल है यहाँ पे यूज करते हैं और उसपे हमने फिक्स कर दिया कि 10 AM टू 5 PM हम चाहते हैं कि 10 AM टू 5 PM हमारा जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी डिवाइस सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम टाइमिंग फिक्स कर देंगे 10 to 5 PM और हमारा यहाँ पे एक सर्वर है। तो सर्वर का वर्क क्या होगा, एनटीपी सर्वर का वर्क होगा कि इस नेटवर्क के अंदर कोई भी जो डिवाइस जो भी डिवाइसेस लगे हैं वो 10 to 5 के बीच में इस सोशल मीडिया को इनेबल ना कर पाए, इसको एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह से हम कोई भी सेटिंग करके इस तरह की टाइम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही 10 से पहले और 5 के बाद फिर इसको हम सोशल मीडिया के लिए अलाउ कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल टाइम है या कोई भी और हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर इस तरह की हम सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। एनटीपी यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के एडवांटेज को जानते हैं कि इसको हम यूज तो करते हैं और इसको यूज करने के बाद हमें क्या एडवांटेज होते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है ईमेल सॉर्टिंग, यानी कि हम कोई भी ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं उसको सॉर्टिंग करने के लिए, उसको सॉर्टने के लिए हमें कोई भी हमें ईमेल सर्च करनी है तो वहां पे अगर हमें डेट एंड टाइम हमारे सिस्टम में अगर सही रहेगी तो हम उसको इजीली सर्च कर पाएंगे और उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर डेट एंड टाइम हमारे सिस्टम में सही नहीं है तो हम उसको एक्यूरेट डेट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे किस डेट में हमने सेंड की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइम एक्यूरेट, कोई भी हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं अगर वहां पे हमारा टाइम एक्यूरेट नहीं है, मान लो 24 के ट्रांजेक्शन है, एक्यूरेट डेट 24 है लेकिन हमारे सिस्टम में 25 फरवरी में उसको शो कर रहा था उस दिन और हमने 24 फरवरी में ट्रांजेक्शन किया, अब उसको हम सर्च करते हैं उस ट्रांजेक्शन को तो हम उस ट्रांजेक्शन पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए एक्यूरेट अगर टाइम हमारे सिस्टम में रहेगा तो हम उस किसी भी बैक डेट की ट्रांजेक्शन को सर्च कर पाएंगे उस डेट के हिसाब से। तो ये काफी इंपोर्टेंट है ट्रांजेक्शन के लिए। एंड किसी भी इनवॉइस बिलिंग डेट एंड टाइम, कोई भी हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं सिस्टम से तो वहां पे अगर हमारा डेट एंड टाइम सही एक्यूरेट है तो वहां पे हम किसी भी डेट की इनवॉइस को अगर दोबारा सर्च करना चाहते हैं तो उसको इजिली सर्च कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग फिक्स टाइम, स्टॉक मार्केट के पर्पज से भी ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर वहां पे हमारे सिस्टम में टाइम और डेट एक्यूरेट नहीं रहेंगे अकॉर्डिंग टू द यूटीसी तो वहां पे क्या होगा, हम किसी भी ट्रांजेक्शन को वहां पे सर्च करने में हमें काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा जो डेट एंड टाइम है वहां पे एक्यूरेट रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक यानी कि सिक्योरिटी के पर्पज से भी एनटीपी प्रोटोकॉल काफी इंपोर्टेंस है। यानी कि हमारा कोई भी नेटवर्क है इसमें मान लो किसी भी समय कोई भी हमारे ऊपर कोई भी अदर नेटवर्क से या किसी भी अदर सोर्स से कोई भी हमारे पास मैसेज आता है तो
तो हमारा जो ट्रबल शूटिंग है उसको करते हैं तो कि किस टाइम पे मैसेज हमारे इस डिवाइस को रिसीव हुआ, किस टाइम पे इसको रिसीव हुआ, किस डेट में इसको रिसीव हुआ। तो वहां पे अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, उसके बैक में जाना चाहेंगे, तो अगर हमारे सभी डिवाइसेस पे डेट एंड टाइम सेम होंगे, फिक्स होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो हम उसको इजिली चेकआउट कर सकते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से भी। इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से जाना कि एनटीपी जो है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक काफी इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसका जो रोल है काफी इंपोर्टेंट होता है नेटवर्क के अंदर। इसके यूज से हम अपनी काफी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर किसी एक नेटवर्क में यूज होने वाली डिवाइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम रहेगा तो वहां पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। बेसिकली इसका वर्क होता है क्लॉक सिंक्रोनाइज, यानी कि नेटवर्क में यूज होने वाली सभी डिवाइसेस पर ये क्लॉक सिंक्रोनाइज करता है, अपडेट करता रहता है इसके डेट एंड टाइम्स को अकॉर्डिंग टू द यूटीसी। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा एनटीपी के बारे में दी गई जानकारी, एनटीपी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसके एडवांटेज क्या है, अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।